तो है गाइस, कैसे हो? तो जो इंट्रो अभी आप देख रहे हो इस टेम्पलेट के साथ जो कि मेरे बैकग्राउंड में है, वो आपको कैसे बनाना है बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको सीखने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो पहले मेन इंट्रो देख लो, फिर बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले गूगल में आपको सर्च करना है टेक्निकल गुरुजी फ्रेम डाउनलोड। जैसे आप टेक्निकल गुरुजी फ्रेम डाउनलोड सर्च करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जो सबसे पहले वाला है उसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर डाउनलोड करके क्रॉप कर लीजिए। तो गाइस, उसके बाद आपको आपका पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है और इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट पे अपना चैनल का नाम लिख लेना है और आपका खुद का नाम भी लिख लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करके इधर अच्छे से फिट कर देना, अपने हिसाब से फिट कर देना और अपने हिसाब से कलर या फिर आप जो भी करना चाहते हो उसको डिज़ाइन विज़ाइन वो कर सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए सिंपली करके दिखाता हूँ नॉर्मली, लेकिन आप चाहो तो उसको और एडिट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको कोई एक अच्छा सा कलर चूज़ कर लेना है। मैं कोई आपको एक रैंडम कलर चूज़ करके दिखाता हूँ। इधर अच्छे से स्ट्रोक वोक डाल के फिर मैं इसको अच्छे से कलर करके दिखा देता हूँ। तो कोई भी एक रैंडम कलर चूज़ कर लेते हैं, ग्रीन वाला ही चूज़ कर लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए अच्छा लुक आ रहा है। उसके बाद नीचे वाला लो, इसमें अपना खुद का नाम लिख देना है, जो कि आपका रियल नाम है वो आपको लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। तो इसको भी आपको उसकी तरह फिट कर लेना है और अच्छे से इसको फिट करने के बाद अच्छे से कलर वलर इसको कर देना है, जैसे कि मैं आपको फिर करके दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। आपको अच्छे से फिट कर देना है जिससे कि लुक इसका अच्छा दिखे। और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से फिट कर देते हैं, हो गया। इसके बाद इसको अच्छे से स्ट्रोक वोक देकर अच्छे से कलर चूज़ कर लेंगे। तो स्ट्रोक देना ज़रूरी है क्योंकि बॉर्डर रहता है तो अच्छा लगता है दिखने को। तो इसमें भी आप अपने पसंद का कलर चूज़ कर सकते हो, मैंने कर लिया। इसके बाद सिंपली आपको इसको सेव कर लेना है अपने फोल्डर में या फिर अपने गैलरी में, बहुत ही आसानी से। तो गाइस, इसके बाद आपको अपना काइन मास्टर ओपन करके वो फोटो सिलेक्ट कर लेना है और उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, जिससे कि आपका वीडियो जितना बड़ा होगा इंट्रो उतना बड़ा कर लेना है। इसके बाद आपको अपने लेयर पे चले जाना है। लेयर पे जाने के बाद आपको जो इंट्रो वीडियो है जो आपने एडिट करके रखा है उसको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह। उसके बाद इसको अच्छे से आपको इधर फिट कर देना है, देखना अच्छे से फिट हो जाए वरना लुक अच्छा नहीं आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से और इसको अच्छे से फिट कर देना, जिससे कि इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। इसकी देख सकते हो ठीक नहीं हुआ ठीक से, हम फिर से करते हैं। तो अच्छे से इसको करना ज़रूरी है क्योंकि इसका लुक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो देख ही सकते हो बहुत अच्छे से फिट होने लगा है। तो भाई छोड़ते हैं और थोड़ा सा बस हो गया। तो है गाइस, कैसे हो? तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, लेकिन आप लोग म्यूट मत करना वरना आपका साउंड नहीं आएगा। तो कुछ ऐसा दिख रहा है लुक इसका, तो इसको सिंपली इसके हिसाब से कट कर लेना और इसको जो है सिंपली आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, और अच्छे से उसको अच्छे रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इसके बाद आपको फिर से काइन मास्टर ओपन करके एक अच्छा सा बैकग्राउंड को ही चूज़ कर लेना है। मैं आपको दिखाने के लिए फिलहाल वाइट बैकग्राउंड ही चूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो। उसके बाद वो एक्सपोर्ट फाइल आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, इसको चूज़ करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो इसका वीडियो वाला पोर्शन है आपके स्किन के ऊपर पूरा सीधे से फिट हो जाए, क्योंकि हमें फर्स्ट में वही दिखाना है। तो आप थोड़ा सा रोटेट वोटेट करके थोड़ा सा बड़ा छोटा करके इसको अच्छे से अपने स्क्रीन पे फिट कर देना, जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह। जैसे कि बैकग्राउंड अभी नहीं दिख रहा, तो आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा भी नहीं दिखाना, जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेना जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा आप लोगों से। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो इसके बाद आपको जो वीडियो वाला पोर्शन है उसको फिर से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में की वाला ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको थोड़ा सा आगे जाना है, उसके बाद एक डॉट देना है, फिर थोड़ा सा इसको छोटा करना है या फिर बड़ा करना है, आपकी मर्जी है। छोटा ही करना अच्छा लगता है लुक। उसके बाद आपको एक और डॉट दे देना है, फिर दूर जाना है, फिर एक डॉट देना है, फिर इसको थोड़ा सा छोटा करना है, फिर डॉट देना है। ऐसे आपको करते जाना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ प्रोसेस देखिए। जैसे कि देख सकते हो थोड़ा दूर गया, फिर से मैंने प्लस दिया, फिर थोड़ा दूर गया मैंने उसको थोड़ा सा और छोटा किया, फिर मैंने एक और डॉट दिया, फिर मैं थोड़ा दूर गया फिर मैंने एक डॉट दिया, और आखिर में आपको फिर से
जैसे आपका पहला स्क्रीन था पूरा फुल था, आपको फिर से वैसा ही करना है। थोड़ा सा रोटेट करके आपको फिर से अपना जो स्क्रीन है वो अपना वीडियो का फुल स्क्रीन में सेट कर देना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा रोटेट वोटेट करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह। एक मिनट रुक जाइए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लेकिन कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो देखिए मेरा वीडियो करीब करीब रेडी हो चुका है, तो मैं फिर से इसको एक डॉट दे देता हूँ। तो अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन लुक आया है, बहुत ही अच्छा लुक। देख सकते हो आप ऐसे बना सकते हो, बहुत ही आसान है। और इसके बाद आप आराम से अपना इंट्रो बना सकते हो और इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको फिर से एक बार बड़ा स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, लेकिन अगर बैकग्राउंड में कुछ और एट्रैक्टिव यूज़ करोगे तो इसका लुक और भी अच्छा आएगा। मैंने सिंपली व्हाइट स्क्रीन यूज़ किया, मेरे को पसंद है इसलिए, लेकिन आप चाहो तो कोई और स्क्रीन यूज़ कर सकते हो। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना, और अगर कोई ख़राब या फिर बुरा लगा वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, उधर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आपका वसीदत साइनिंग ऑफ।